हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत है आप लोगों का आज के नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यह है मॉर्निंग का व्यू, यहाँ पे देखिए सामने सूर्य भगवान अभी उदय हुए हैं और काफ़ी गजब का नज़ारा है ये, और बर्ड्स की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। सामने है अलकनंदा, आप दर्शन कर लीजिएगा। और ये है मॉर्निंग का व्यू, आप एंजॉय कर सकते हो। काफी खूबसूरत नजारा है ये। और मौसम की बात करें तो आज बिल्कुल क्लीन है आसमान, देखिए आप। यहाँ पे देखिए बीन्स भी अब सूख गई है, तो इसको हम निकाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने क्यारी की सफाई कर दिया, सारा खरपतवार निकाल दिया है। ये देखिए इतना सारा खरपतवार निकला है इससे। और यहाँ पे बोई थी मैंने पहले मूलियाँ, तो अब बिल्कुल ख़राब हो गई है, लेकिन इसके नीचे देखिए जड़ें निकली मूली की, कुछ मूलियाँ निकल गई है, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी मूली। और अब पत्तियाँ इसकी बिल्कुल ख़राब हो गई है। यहाँ पे देखिए पूरी सफाई कर दी मैंने, इतनी मूलियाँ निकली यहाँ से। और इस टाइम पे गर्मियों में मूली अपनी क्यारी की, वो भी एकदम ऑर्गेनिक, मज़ा ही आ गया देख के भी, और खाएंगे वो तो फिर आएगा ही, सैलेड के काम आ जाएगी मूली, क्योंकि गर्मियों में मूली बहुत अच्छी होती है, ठंडक देती है, पीला वगैरह भी नहीं होता है मूली से, लीवर के लिए मूली बहुत ही अच्छी होती है। फ्रेश मूली है अपने बगीचे की, देखिए ताज़ी और ऑर्गेनिक। और यहाँ पे देखिए गिरगिट बैठा हुआ है धूप में, शायद विटामिन डी ले रहा है ये भी। और यहाँ पे देखिए बैगन लगने शुरू हो गए हैं, एकदम ज़मीन पे टच हुआ है, बहुत छोटी छोटी पौधे हाइब्रिड के पौधे हैं, क्योंकि छोटे पौधों में लग जाते हैं बैगन, और जो वैसे बैगन के पेड़ होते हैं बहुत काफ़ी लंबे भी होते हैं। यहाँ देखिए फ्लावर भी लग गए हैं इसमें, और कहीं पे बैगन लगना शुरू हो गया है, और यहाँ पे भी लगा हुआ है बैगन, देखिए। तो कैसा लगा आपको हमारा किचन गार्डन, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो अब आ गई हूँ मैं अंदर,
अब नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने भिंडी धुल के रखी हुई है, थोड़ा ये साफ कर लेंगे इसे, फिर उसके बाद थोड़ा इसको अखबार में रख दूँगी, इसका गीलापन ठीक हो जाता है, फिर जो भी पानी है इसमें सोख लेता है अखबार। उसके बाद इसको कट करके नाश्ते बनाऊँगी मैं आज भिंडी की सब्ज़ी। और मैंने आज भिंडी को पहले फ्राई किया, उसके बाद इसमें मैं हल्के मसाले डाल दिए हैं, नमक वगैरह जो बेसिक मसाले होते हैं, और एक काफ़ी स्वादिष्ट बनती है ऐसे करके देखती। और रेडी हो गई भिंडी की सब्ज़ी, और यहाँ पे कर रही हूँ परांठों की तैयारी। यहाँ पे बन गए हैं परांठे, रेडी है आज का नाश्ता। नाश्ते में बना है हमारा पराठे, भिंडी की सब्जी, और यहाँ पे दही, और यह टमाटर की चटनी। तो अब खाते हैं हम नाश्ता। देखो हमने अच्छे से बना रखा है ये चटपटा सा आम, और इसमें डाला है चाट मसाला, नमक, चीनी, और क्या क्या डाला, मिर्च और भुना हुआ जीरा। तो देखिए मेरे मुंह में तो पानी, आप भी खाइए और इन्जॉय करिए। ये देखिए देखिए अभी 3 बज रहे हैं और हमने खाना वगैरह खा लिया है, और अब देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, फिर से बारिश आने के लिए हो गया। बारिश आने के लिए क्या हो गया, बारिश होने ही लग गई फाइनली। और देखिए कहीं कहीं भी तो आसमान साफ है, बट इधर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा काला हो रखा है। सो गाइस देखिए अब बारिश भी होने लग गई है, मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो गया क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। एंड यहाँ आजकल ऐसे हो रहा है, मॉर्निंग बहुत अच्छी ठंड आ रही है, और अभी देखिए आ गए हैं गाड़ी से कवर हटा के, और भीग भी गए। देखिए कितना आंधी तूफान आया भैया, सुबह साफ कर रहे और दिन में देखिए सारे पत्ते उड़ के आ रहे, पूरी रेत वगैरह। ये देखिए फिसलना मत, और यहाँ पे बारिश हो रही है, हल्की है बारिश क्योंकि तूफान चल रहा है। और ये देखिए अपना जा रहे, और आसमान देखिए आप पूरा काला बादलों से घिरा हुआ है। देखिए अब आ गई है झमाझम बारिश, देखिए आप बहुत ही तेज बारिश आ गई है, और काफी अच्छा मौसम हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे हम आए हैं पुदीना लेने, क्योंकि आज हम बना रहे हैं पकौड़ियाँ, और आप मौसम देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है, बारिश आ रही है काफी तेज, इसमें तो पकौड़े बनना तो जरूर है। पकड़ी से तो हम जरा पुदीना लेते हैं, हरी हरी तीखी सी चटनी बनाएंगे। अब हम यहाँ पे तोड़ेंगे अपना हरा हरा पुदीना। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी सी पत्तियां हो रखी है इसकी, गाइस देखिए अब कितनी ज्यादा बारिश होने लग गई है, बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है। और हमने तो डिसाइड कर दिया कि हम लोग बनाते हैं पकोड़े, क्योंकि ऐसी बारिश में तो पकोड़े चाय का मजा ही कुछ और होता है। तो आप देख सकते हो बारिश अचानक से कितनी ज्यादा बढ़ गई है। सो गाइस यहाँ पे हम बना रहे हैं बैटर, तो इसमें नॉर्मल पकौड़ियों का बैटर ही है ये सामान, आप जानते होंगे, बेसन, लाल मिर्च, नमक, और अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा गरम मसाला, मतलब नॉर्मल बेसिक मसाला डालेंगे जो हम पकौड़ी बनाने के लिए डालते हैं। सो गाइस अब हम बना रहे हैं चटनी, तो हमने लिया पुदीना, और हम डाल रहे हैं कुछ लाल मिर्च। तो ये आपको लग रहा होगा हम बहुत ज़्यादा मिर्च डाल दिया, लेकिन जो यादी मिर्च है ये ज़्यादा लग नहीं रही है,
कम तीखी हैं, तो हमने इसलिए ये थोड़ी ड्राई मिर्ची भी डाल दी है ताकि हमें अच्छा चटपटापन मिल जाए चटनी में। तो हमने इतना हम डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी लहसुन की कलियाँ। सो गाइस, अब हम इस पर इसको बैटर पे ऐड कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ गिरा ना, बन गई है गर्मा गर्म पकौड़ी। और इसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डालिए तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर ट्राई मानना। और थोड़ा सा काला नमक, तो बाहर तो आपको बता दी हमने बहुत बारिश आ रही। और यहाँ पे बनी है चटनी और ये है हमारी गर्मा गर्म चाय। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए।